अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो एवरीवन, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ स्वैग लेक। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है स्वैग लेक, गंडोवा झील भी इसको कहते हैं और गंडोवा झील भी कहते हैं, और नया नाम जो है इसका है स्वैग लेक। सो आज जो है 6 अगस्त है और आज 6 अगस्त को हम पूरा दिन यहाँ पर नहाने वाले हैं। बाकी पूरी वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी, यहाँ का सफ़र कितना है टोटल लाहौर से और पैदल का ट्रैक कितना है, वो सारी अपडेट आपको वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी हम इसमें पूरा दिन नहाने वाले हैं, चिल करने वाले हैं। सो एवरीवन, आप सब भी सीट बेल्ट बांध लें और हमारे साथ रेडी हो जाएं स्वैग लेक जाने के लिए। सो रात को 3 बजे का टाइम है, 5 अगस्त है और हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से स्वैग लेक है 200 किलोमीटर, इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले आता है स्वैग लेक। बड़ा ही प्यारी लेक बनाई हुई है, कुदरती पानी आ रहा है पहाड़ों में से। यार अभी मैं जा रहा हूँ डिफेंस से शालीमार, शालीमार में 3 दोस्त वेट कर रहे हैं, उनको उठाऊँगा और निकल जाएंगे फिर सीधा मोटरवे। 3 पशिंदों को उठाने के बाद हम आ चुके हैं मोटरवे पे। टोटल लाहौर से स्वैग लेक का सफ़र है वो बनता है 250 किलोमीटर, और 250 किलोमीटर पे जो टाइम लगने वाला है वो 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। सो फाइनली हम लोग मोटरवे को करने लगे हैं गुड बाय। अभी कलर करके टूल प्लाजा से एग्ज़िट होंगे, आगे टूल टैक्स पे करेंगे, टूल टैक्स पे करने के बाद आगे स्वैग लेक की तरफ निकल जाएंगे। टोटल जो मोटरवे से उतरने के बाद सफ़र बनता है तकरीबन आगे 18 किलोमीटर है। यार अभी सुबह 7:50 का टाइम है और आगे 6 किलोमीटर है स्वैग लेक। उससे पहले हम कर रहे हैं नाश्ता, आगे जो है कुछ मिलना नहीं है खाने को, यहीं से खा के जाएंगे शाम तक, फिर जब उधर से निकलेंगे तो फिर खाने को मिलेगा। नाश्ता करके हो गए हैं फुल और अभी निकलने लगे हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर रह गया, 6 किलोमीटर बाद ठंडा ठंडा पानी होगा और खूबसूरत सी लेक होगी और हम होंगे और ये साथ ये पसिंदे भी होंगे। एवरीवन, गाड़ी जो है यहाँ तक आ सकती थी, यहाँ पे ये पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने, गाड़ी जिससे आगे नहीं जा सकती, आगे पैदल का ट्रैक है।
आधा पौना घंटा पैदल चलने के बाद फिर आती है स्वैग लेक, जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी वहाँ तक गाड़ी भी आए हैं और उससे आगे फिर पैदल चलते हैं। धूप निकली हुई है, हल्की हल्की गर्मी भी है, पानी ठंडा होगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है नहाने का। सो आपको ट्रैक दिखाते हैं, ट्रैक किस तरह का है। स्टार्टिंग में जो है कुछ इस तरह का ट्रैक है, आगे ट्रैक जो है काफ़ी हैवी होने वाला है, इतना खतरनाक है कि वो भी खुद डर जाता देख के। हाँ अभी तो तुम डरे पड़े हो ना। इस लेक का नाम खंडोया लेक, पुराना नाम शायद खंडोया था, अभी इन्होंने इसका नाम जो स्वैग लेक रखा हुआ, स्वैग लेक। 20 मिनट हो गए हैं चलते हुए, अभी ट्रैक जो है प्लेन है, आगे चढ़ान है, उसके बाद फिर नीचे उतर जाएंगे। कुछ इस तरह का ट्रैक आ चुके हैं और की नाम है हाथी हजरात, हाथी हजरात थक चुके हैं, नहीं नहीं शॉर्टकट जाएंगे। गंडोया जेल ने आवाज़ दे, ट्रैक नहीं है, अच्छा उधर से है, ओए मरन लगे सी असि इधरों, अच्छा उतरों का ट्रैक उधरों है, लेकिन असि इधरों उतरना सोच रहे थे, इधर ट्रैक ही कोई नहीं। ठंडी हवाएं बज रही हैं, उधर से जाएंगे और वो जो नीचे रेस्ट एरिया बना हुआ है वहाँ से नीचे उतरेंगे। ऐसे वो नीचे जाके है स्वैग लेक, गंडोवा लेक। और कुछ इस तरह का व्यू है, बादल ही बादल हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पसीना आया गर्मी की वजह से, गर्मी है पैदल चल रहे हैं। तो ये भाई साहब जो है शॉर्टकट जा रहे हैं, फुल ढलान है, पाँव स्लिप होने का ख़तरा है, जाना उधर से भी शॉर्टकट ही है, लेकिन ये सही ट्रैक जो है ये उतर रहा है ऐसे। तो ये भाई साहब जो है पागल हुए हैं इस टाइम पे फुल टाइम, लोग सही ट्रैक से जाएंगे जहाँ से पाँव रखने की जगह हो, पाँव स्लिप ना हो। उसको देख के हमें भी, हमारा कीड़ा भी चुलमुल किया, हमने भी ये शॉर्टकट अपना लिया है, लेकिन ये इतना शॉर्टकट है कि पाँव स्लिप नहीं हो रहा, इजीली चला जा रहा है। बेसिक जो सही रास्ता है ना शॉर्टकट, वो यहाँ से उतर रहा है, अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे, लेकिन हम लोग जो है वहाँ से उतरने लगे थे, वहाँ पे लेकर रास्ता कोई नहीं है, हमें उधर आगे समझ आ गई थी कि जो ट्रैक है वो आगे है। अभी आगे एक से रास्ता जा रहा है वो नॉर्मल है, फैमिली वगैरह के लिए वो सही है, ये रास्ता सही नहीं है क्योंकि ये फुल ढलान है, ये डेंजरस रास्ता है, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सही है, सेफ है, ये इस जैसे बांदरों के लिए ठीक है। अपना शेख साहब आइयो, लेकिन ध्यान दे नाल, तुसी स्लिप बहुते हो रहे हो, तुहाडी लैलन दी चप्पल हैगी है फिसल जाती है, तो पैर रख के फिर अगला पैर झुकना, पैर स्लिप हो जाना, ध्यान नाल। बड़ा हैवी शॉर्टकट अपना लिया असी, ओए पैर नहीं थकता, पैर थके ना थके तुसी उत्थे डायरेक्ट जा पवोगे थले, क्योंकि तुहाडी जुत्ती स्लिप हो रही है। यार इस रास्ते का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस रास्ते से हैं, आगे से रास्ता जो है घूम के आ रहा है वो इजी है, इतना डेंजरस नहीं है, बोतल बड़ो भाई, फुल ढलान नहीं है ये रास्ता जो है हम जैसे बांदरों के लिए ठीक है। उस्ताद अगर बंदा फिसलिया सारे रगड़ता ही जाएगा, तू अगे आ उस्ताद, तेरे पैर बहुत स्लिप हो रहे हैं, तेरी मेहरबानी तू अगे आ जा, तू सानू किसी नु रगड़ देगा, चल चल। यार हमें मुसलसल तकरीबन कोई 35 मिनट हो गए चलते हुए और चल ही रहे हैं, अभी नीचे से पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है और हौसला भी मिलना शुरू हो गया है कि करीब ही हैं, तकरीबन कोई 10-15 मिनट और लगेंगे और पहुंच जाएंगे ठंडे ठंडे पानी में, उतर जाएंगे उधर जाके और तुहाडी खैर हो जाए। वीडियो के चक्कर च मैं गया सी, बच गया। यार ये जो पैदल चल के आते हैं ना, जब आगे मेन लेक पे पहुंचेंगे, ये पैदल की थकावट जो होगी ये सारी उतर जाएगी, और वैसे भी पैदल चलना सेहत के लिए बहुत बेहतर है, चलना चाहिए, वैसे तो हम चलते नहीं हैं पैदल, बैठे ही रहते हैं। अगले की कहानी तो तुम नहीं पता, तुम इतों के रिहायशी गए हो, तो ऐसा अगले किंज बनी सी, कितों पानी आ रहा है, कोई मामला तो कुछ भी नहीं पता है, पत्थर पहाड़ चो पानी आ रहा है तो पता है, लेकिन किस तरह बनी सी, कितों पानी आ रहा है, कोई तो पता नहीं है, कुदरती पानी आ रहा है, तो जा हट जाओ भी, अगों हट जाओ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्वैग लेक, कुछ इस तरह का पानी है, फुल ठंडा पानी है, ब्लू साफ पानी है,
आज ट्यूसडे है, रश नहीं है यहाँ पे। संडे को सैटरडे को यहाँ पे रश होता है। और यहाँ पे अभी पूरा दिन नहाने वाले हैं, अभी जैकेट पहनेंगे क्योंकि इस पानी की जो गहराई है वो 60 से 70 फुट है। इतने फुट पानी में रिस्क लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है 2-3 फुट है, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा गहराई बढ़ती जाएगी, तो एंड तक जो है 70 फुट तक गहराई है इसकी टोटल। और अभी पहनते हैं जैकेटें और जैकेटें पहन के सीधा पानी में। एक साहब छा गए हो जिरे उ 5 फुट डुब रहे थे ना, इतने 70 फुट चले ने। चलो चलो यार, ना डरो, कुछ नहीं होता। बड़ा ठंडा पानी, ठंडा के नहीं है यार, मैं ज्यादा के जा रहा ही नहीं। मजा आया पानी के नहीं है, पानी ठंडा है के नहीं है, पानी बड़ा ठंडा। तुसी अगे नहीं जा रहे? चलो यार, डरी जा रहे हो कसमें। हमने तो 120 स्पीड से डाई मार के उहावांगे तुहानू ऐसे पानी दे विच। यार जैकेट जो है जरूरी है, पानी काफी डूंगा है। जिंदगी ऐसे इतने बड़े तैरू नहीं है, आखिरी ब्लॉग होएगा इनका, जैकेट तो बगैर जाएगा ना। पाई तो फिर आखिरी ब्लॉग ही होएगा। ए किथे बनना साहब, की बने ना है इदे ना, बन लेने है किथे बनने ने। बड़ा ब्लॉगर देख लो, ओनू जैकेट पाना सिखा लेने। ओ मैं एक स्विमर ले आ, स्विमर ले आ। चलो जी आ जाओ, दिखाओ ये करते हैं, मारो छाल। ये सारे पानी में जाना, चल 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 चल, इसको कहते हैं, अनु कहंदे ने, चल जा। पानी है फुल, हां जी भाई, ठंडा भी, 1-2-3 चल, ठंडा भी है। वाण तू सुनो, पानी यार उठो, जाना ना आस्ता आस्ता। ओए इधर मार छाल, अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह कर, धक धक कर रहा है। चल धक धक अंदर हो, बड़ा ब्लॉगर डर जा जे, सेफ्टी जरूरी। ये ब्लॉगर की मतलब, लगने लाते लगने का कोई सीन नहीं है नीचे। ये गाइस मजा आ गया है, मैं बच गया हूँ डाई मार के। अभी दोबारा हम जाएगा। ओए डर फोको की करी जाते हो, चलो। ओ यस बेबी, आ जैकेट बगैर ना आना ला, डर फोको थोड़े दिन भाई चंगा है ना। यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, फुल चिल पानी है और गर्म मौसम में नहाने का अपने वाला है। दो हमारे यार वो डूब रहे हैं, वो डूब रहे हैं, वो अंदर ही नहीं आ रहे, डर लग रहा है उनको, कह रहा ये अपन डूबा रहे हैं। जा रहे
सो एवरी वन हम इधर से डाई लगाने लगे हैं। 70 फुट डूंगा पानी है के साथ, नहीं बचना। पहले तो बचिया चलो 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 छोरे सोचना फिर सोचना ਕਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲ ਚੱਲ ਡਰ ਗਈ ਡਰ ਗਈ ਡਰ ਗਈ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਹਲੋ ਹਲੋ ਉਹ ਡਬ ਲੋਗ ਸਿਗਰਟ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਤੂੰ ਬਣਾ ਪਣੀ ਤੂੰ ਜੀ ਬੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਸ ਤੇ ਵੀ ये सिगरेट लेके आया हूँ भाई साहब की फरमाइश थी, उधर शेख साहब बैठे हुए और उधर से लेके आया थक गया यार। कोई आएगा आएगा वापस बहुत जी ये कर रहे हैं गाइस, मजा आ रहा है यार। सारी गर्मी कर देती है ठंडे पानी च। सो एवरीवन हम लोग खूब नहाए, अभी 2 बजे का टाइम है और निकल रहे हैं वापसी। घंटा लगेगा ऊपर गाड़ी तक पहुंचने में और जाते हैं ऊपर नहाए। खूब नहाए हैं तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है और अभी जाके खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं वापसी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।